हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित कड़ेल और आज मैं बात करूंगा सुपर थर्टी के बारे में। दोस्तों, सुपर थर्टी बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई कर सकती है, फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन कैसा होगा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी पे खुलेगी, फिल्म का पोटेंशियल लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, फिल्म का ओवरऑल बस कैसा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सुपर थर्टी रिलीज़ हो रही है इस फ्राइडे यानी 12 जुलाई को। फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तकरीबन एक महीने पहले और इसके ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ऑडियंस को इसका ट्रेलर बहुत पसंद आया था, इसकी कहानी, इसका कंटेंट बहुत ग्रैबिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। ऋतिक रोशन बहुत डायनामिक लग रहे हैं इस फिल्म में। कुछ वर्ग को, कुछ लोगों को इनका जो बिहारी एक्सेंट है वो उतना पसंद नहीं आया, लेकिन एक ओवरऑल जो बज़ है वो इसके ट्रेलर ने बहुत अच्छा क्रिएट किया था और हर एक लिहाज से इसका ट्रेलर बहुत हिट साबित हुआ था। इसके बाद जो इस फिल्म के गाने आए, ऐसे जुग्राफिया और एक दो गाने और आए इस फिल्म के जो कि बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुए, उसके वजह से इस फिल्म का बस थोड़ा स्लो हो गया। जो ट्रेलर ने जो बस क्रिएट किया था वो इसका जो सॉन्ग्स है वो इसके बस को कायम नहीं रख पाए, वो जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं इसके सॉन्ग्स की वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ। फिल्म के जो गाने हैं वो सिचुएशनल गाने लग रहे हैं, ना कि कोई बहुत बड़े हिट गाने। कंटेंट ड्रिवन फिल्म में वैसे भी गानों का बहुत कोई स्कोप नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा गाना, एक बड़ा हिट गाना फिल्म को के बस को एक नई ऊंचाई पे रखने में कामयाब होता है। उससे उसके वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छी भी खुलती है। जैसे पैडमैन में गाना था आज से तेरी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था। कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी पैडमैन भी, लेकिन एक हिट गाने से फिल्म को बहुत हेल्प मिलती है। अब आइए बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में। दोस्तों, इसका जो बज़ है उस फिल्म का बहुत ज़बरदस्त नहीं है, जैसा कि ऋतिक रोशन की फिल्मों के साथ होता है, लेकिन कमज़ोर भी नहीं है। ये फिल्म एक कंटेंट ड्रिवन मल्टीप्लेक्स फिल्म है, तो इसका जो ओपनिंग कलेक्शन मुझे लगता है वो होगा 12 से 13 करोड़ के बीच में। 12 से 13 करोड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन ये फिल्म मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर करेगी। उसके बाद सैटरडे अगर ये फिल्म अच्छी हुई, फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला, वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा स्प्रेड हुआ, तो सैटरडे इसका अच्छा ग्रोथ होगा कलेक्शन में 30-35% का, और सैटरडे को मेरे हिसाब से फिल्म 15-16 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। अब आइए संडे पे। अब संडे पे ये फिल्म कहीं ना कहीं फंस सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल है संडे को, 14 जुलाई को। अगर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में जाती है तो इसका संडे कलेक्शन पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। इसका संडे कलेक्शन सैटरडे से भी कम होगा, तो मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल वीकेंड होगा, अगर संडे को वर्ल्ड कप फाइनल होता है और इंडिया अगर वर्ल्ड कप फाइनल में जाती है, तो मुझे लगता है कि इसका वीकेंड कलेक्शन 35-40 करोड़ के बीच में होगा। और अगर इंडिया संडे को वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेलती है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का वीकेंड कलेक्शन 40-45 करोड़ के आसपास होगा। अगर ये फिल्म अच्छी हुई, इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 120-130 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है। और अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं हुआ, तो ये बॉक्स ऑफिस पे 70-80 करोड़ में इसका बिजनेस ख़त्म हो सकता है। तो मैं पूरी टीम को, सुपर थर्टी की पूरी टीम को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और मैं आशा करूँगा कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट साबित हो। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा काम पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, सुमित कड़ेल। थैंक यू।